ये आप देख सकते हैं कि हमारी टेस्ट साइट जो इसका लोकल इन्वायरमेंट बन गया है, और इस पे आप राइट क्लिक करके चेक कर सकते हैं, व्यू साइट करके साइट को देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा वक्त लेगी ओपन होने में, और ये हमारी साइट ओपन हो गई है। ये पेजेस और ये टाइटल और लोगो जो भी है, और ये एक पोस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई है, सर्च बार और कुछ बाकी चीज़ें, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। हम इसके डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में जाने के लिए लिंक के आगे wp/admin और जो पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे यूज़ करेंगे तो लॉगिन हो सकेंगे। यूज़र नेम टेस्ट साइट और जो पासवर्ड रखा था वो देन लॉगिन। ये थोड़ा सा वक्त लेगी, इसको सेव कर लें ताकि हमें दोबारा लॉगिन होने के लिए बार बार पासवर्ड यूज़ ना करना पड़े। और हमारा ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। इसके लेफ्ट साइड पे जो मेन्यूज़ हैं, ये विजिट साइट, यहाँ से ओपन न्यू लिंक, और ये साइट हमें यहाँ पे नज़र आएगी। जो काम हम यहाँ पे करेंगे, चेंजेस करेंगे, वो हमें यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं या यहीं से चेक कर सकते हैं। वापस चलते हैं डैशबोर्ड में, और ये पोस्ट पोस्ट जो ऐड न्यू पोस्ट, जो एक बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट हेलो वर्ल्ड की, ये हमारे सामने एक ही पोस्ट है तो हमारे सामने बनी हुई है इससे। और यहाँ पे जो हमारा मीडिया होगा, मीडिया लाइब्रेरी ऐड न्यू, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी तो मैं इसका जस्ट इंट्रो करा रहा हूँ आपको। और जो पेजेस होंगे हमारे अभी फ़िलहाल, कौन से पेजेस हैं अभी, दो, प्राइवेसी और पॉलिसी और सैम्पल पेज, जैसे ये एक और बाकी प्राइवेसी एंड पॉलिसी, यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो यहाँ से हम ऐड न्यू कर सकते हैं बाकी पेजेस, कमेंट्स, अपेरेंस और थीम्स, कस्टमाइजेशन, विजेट्स क्या होती हैं, मेन्यूज़ क्या हैं, बैकग्राउंड क्या है, थीम एडिटर क्या है, और प्लगइन्स क्या होते हैं, और किस काम के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्या क्या यूज़ किए जाए, यूज़र जो हमारी साइट्स पे यूज़र होंगे, एडमिन हो गया, पब्लिशर हो गया, एडिटर हो गया, जो भी यूज़र है वो समझ आ जाएंगे। और इस पे टूल्स कौन कौन से हैं, इम्पोर्ट, साइट को इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा जो एक्सपोर्ट, रेज पर्सनल डेटा जो भी कर सकते हैं, और इसकी कुछ सेटिंग्स है, जनरल, राइटिंग और ये बाकी चीज़ें। और आगे चल में चल के हम लास्ट पे एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। और थीम को एडिट कैसे किया जाता है, पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, तो सबसे पहले चलते हैं हम पेज करते हैं ऐड। होम इसे पब्लिश करें, ठीक है। अब इसे पब्लिश किया, इसे जाके रिफ़्रेश करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे सामने नज़र आया नहीं, होम नज़र आ गया जी, सैम्पल पेज होम। और
कॉन्टेक्ट अस। तीन पेजेस हो गए हैं। हम कंटेक्टर्स फिलहाल हम दो को यूज़ करेंगे और अभी इनकी सेटिंग देख लें कि कंटेक्टर्स और होम दरमियान में सैंपल पेज। और इनकी सेटिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपीयरेंस और फिर मेन्यूज। यहाँ पे हम मेन्यू क्रिएट करेंगे, कोई भी मेन्यू रख लें, जैसे साइट मेन्यू वन। मेन्यू क्रिएट करते हैं। और जो हमारा होम और कंटेक्ट अस का, इनको ऐड टू मेन्यू करते हैं। और यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करें कि इन्हें कहाँ पे शो करना है। सोशल मेन्यू है, फुटर साइड पे करना है, या मोबाइल साइड पे, या डेस्कटॉप एक्सपेंडेड मेन्यू ऑटोमेटिकली, या ऐड न्यू टॉप मेन्यूज, जैसे भी करते हैं। और एक और भी आता है प्राइमरी मेन्यू, अभी वो फिलहाल नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियोस में जब बनाऊंगा, डिफरेंट थीम्स पे काम करेंगे, तो वहाँ पे वो आपको भी पता चल जाएगा ऐसा ऐसा। अभी फ़िलहाल ये इसका इंट्रो कि कुछ चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, इनको सेव करते हैं। सेव तो कर लिया और इसकी लोकेशन हम सेट कर सकते हैं, ऊपर ऐसे नीचे कर सकते हैं, इसको सब मेन्यू बना सकते हैं। और अगर तीसरा हमारे पास सैंपल पेज है, किसे ऐड कर लें, तो ये सब मेन्यू, सब पेज का सब पेज बना सकते हैं। इसे सेव करके चेक करते हैं। मेन्यू कॉन्टेक्ट अस, डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल, सेव मेन्यू। ये आप देख सकते हैं होम में आ गया कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस में आ गया सैंपल वेज। ये इसका सब मेन्यू और ये इसका आगे सब मेन्यू है, ये सामने नज़र आ गए। इसको हम फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, सेव मेन्यू। बाकी पेजेस पे चलते हैं, होम पे। अगर इसी एडिटर को सिंपल यूज़ करते हुए एडिट करें, तो हम यहाँ से अगर पैराग्राफ ऐड करना है तो पैराग्राफ कर सकते हैं, इमेज करनी है, हेडिंग करनी है, गैलरी करनी है, कोट करनी है। फर्स्ट हम हेडिंग दे देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे लोरम इप्सम। और इसका स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट करके, हेडिंग जो भी देनी है, H3 देनी है, H2, H4, H2 ही रहने देते हैं। इसे बोल्ड करना है या इटैलिक करना है, इसके साथ कोई लिंक अटैच करना है, तो वो हम यहाँ से क्लिक करके कोई भी लिंक दे सकते हैं। और बाकी चीज़ें इसको फ़िलहाल अपडेट करते हैं। रिफ्रेश करें साइट को, होम पे चलते हैं। और ये हमारी हेडिंग आ गई, इसमें एक और चीज, रीडिंग में जाके स्टैटिक पेज चूज करना है। स्टैटिक पेज मतलब वो पेज होता है जो
जैसे ही हम कोई भी साइट ओपन करते हैं तो जो हमारे सामने जो भी पेज नज़र आता है उसे वो स्टैटिक पेज कहते हैं, या लैंडिंग पेज या स्टैटिक पेज, जो भी चूज़ करेंगे आप वो ही सामने आएगा। हम होम पेज को चूज़ करते हैं और बाकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। मैं रिफ्रेश करें इसे, हम कैंसिल करके दोबारा ओपन करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा होम पेज एक्टिव है और होम पेज ही ओपन हुआ है। और ये बाकी कुछ चीज़ें जैसे विजेट्स वगैरह, इनको चेंज करें, रखनी है या नहीं रखनी, तो हम इनके चेंजिंग जाके अपेयरेंस विजेट्स, जैसे ये सर्च इसको उठा के निकाल दें, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, फुटर टू पे निकाल दें अगर, तो अब जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल कोई विजेट्स वगैरह हमें नज़र नहीं आ रही। और ये फिर फूडर है, इसकी चेंजिंग्स कहाँ से होगी कहाँ से नहीं होगी, टू द टॉप ऊपर जाने के लिए, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप आगे सीखेंगे। अब जैसे थीम्स, थीम्स में चलते हैं। अभी तो 2020 एक्टिव है हमारे पास, 2019, 2017 और 2016। अगर आपको इस थीम पे काम करना है तो यहाँ से एक्टिवेट कर लें, इस पे करना है तो यहाँ से एक्टिवेट कर लें, या इस पे यहाँ से, और आप नई थीम भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे जाके, और फिर आपको बेशुमार थीम्स यहाँ पे मिलेंगी, या जो भी थीम आपको पता हो या आप उसका नाम जानते हो तो आप यहाँ से सर्च करके ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं एक ढूंढता हूँ कि एलिमेंटोर सर्च करते हैं। अच्छा एक और बात, एक होती है थीम और एक होता है बिल्डर, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है कि बिल्डर जो होता है वो विजुअली उस पर काम करके हम चेंजिंग्स कर सकते हैं पेजेस में और बाकी जगहों पे, तो फिलहाल तो ये समझ नहीं आया। और या फिर हम थीम्स जाके डाउनलोड कर सकते हैं wordpress.org। wordpress.org आप थीम्स पे जाके वहाँ बाजार लाइट इसकी इन्फो चेक कर लें, जो भी है ये कैसी बनेगी और कैसी नहीं, इसे हम यहाँ से डाउनलोड करके और फिर यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं, जैसे हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। और भी थीम्स हैं, आपको यहाँ पे थीम्स मिल जाएंगी जिस पे आप काम करना चाहेंगे, जैसे पॉपुलर्स कौन सी हैं 2019, और बाकी ये आगे आपको बेशुमार थीम्स मिलेंगी जो फ्री में होंगी। कुछ पेड थीम भी हैं जैसे डीवी थीम है, डीवी थीम, ये रही। ये डीवी थीम है और ये आपको पेड मिलेगी इस पे, ये आप इसकी लुक देख सकते हैं कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसे की जा रही है, और ये बहुत ही आसान है इसमें काम करना। इन इसके आपको लेक्चर इसके भी मिलेंगे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, सारी चीज़ें डिटेल प्रोवाइड करूँगा आहिस्ता आहिस्ता। और
ये थीम्स हो गई, और उसके बाद प्लगइन्स, प्लगइन्स किसके लिए काम आते हैं? जैसे प्लगइन्स में चलते हैं हम, जैसे कुछ फंक्शनैलिटीज़ हमने ऐड करनी होती हैं, जैसे कंटेक्ट टास्क के लिए कुछ थीम्स में कंटेक्ट टास्क पेज लगाना पड़ता है, तो उसके लिए प्लगइन्स लगाएंगे। जैसे कोई भी प्लगइन जैसे कंटेक्ट के लिए ढूंढते हैं। आप देख सकते हैं कि कंटेक्ट फॉर्म बाय वर्डप्रेस, ड्रैग एंड ड्रॉप फॉर्म बिल्डर फॉर वर्डप्रेस, और जेट पैक बाय वर्डप्रेस, फॉर्म मेकर, और भी बेशुमार प्लगइन्स हैं। वो उनकी आहिस्ता आहिस्ता आपको डिटेल समझ में आ जाएगी, जैसे कंटेक्ट फॉर्म, ये और विजेट्स, और ये बाकी चीज़ें। आपको प्लगइन हर एक चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगी आपके इस्तेमाल करने के लिए, अभी जो हम यूज़ करेंगे ट्यूटोरियल्स में। और उसके बाद आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी से, इसके ब्लॉग्स को रीड कर सकते हैं, और होस्टिंग क्या होती है और बाकी चीज़ें, इनको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ब्लॉग्स आप रीड कर सकते हैं, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपको। चले फिर हम चलते हैं अपने काम की तरफ। जैसे हम अभी थीम इंस्टॉल करते हैं, जैसे GTL न्यूज़, इसी को रख लेते हैं। यहाँ से ये इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल होने के बाद इसे हमने एक्टिवेट करना होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगी आपसे और फिर इंस्टॉल हो जाएगी। ये थी कुछ डिटेल, और शर्ट शर्ट कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद आपका प्रॉपर वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल स्टार्ट होंगे, जो इंतहाई आसानी से आप उसे देख के समझ के कर सकेंगे। हो जाओ इंस्टॉल। चलें थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। बाकी थीम्स भी आप देख सकते हैं, जैसे ये, और इसकी डिटेल वगैरह चेक करते हैं जब तक वो इंस्टॉल होती है, इसकी कैसी ये नज़र आ रही है। ये इसका प्रीव्यू है, क्या चेंजिंग्स हैं, कैसे करनी है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ आ जाएंगे। चलते हैं पीछे, कहाँ? हाँ जी, ये इंस्टॉल हो चुकी है और इसे एक्टिवेट करते हैं। और शायद आपको वो चीज़ों की समझ आई हो और कुछ की ना आई हो, और जब आहिस्ता आहिस्ता इसके आप ट्यूटोरियल्स वगैरह देखेंगे तो वो आपको समझ आ जाएगी। ये एक्टिवेट हो गई है हमारे थीम में, थीम्स में जाके चेक करते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ये हमारी थीम एक्टिव है। रिफ्रेश करते हैं हम अपनी साइट को। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी कंप्लीट ये चेंज हो चुकी है, इसके होम्स और मेन्यूज इसके कहाँ आ गए हैं, और बाकी चीज़ें इसकी, जैसे कॉन्टेक्ट अस की चेक कर लेते हैं। और देख सकते हैं आप, और फिलहाल तो हम उसी पे काम करेंगे 2020 पे, और इसे दोबारा एक्टिवेट कर लें। और ये था कुछ इंट्रो इसके रिलेटेड, और इससे आगे भी आपको कंप्लीट डिटेल में एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, जिसके ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही इसका इंट्रोडक्शन और बाकी चीज़ें। तो अगर आपको कुछ समझ आई हो या ना भी आई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मज़ीद
किस तरह इसको आपको समझाने की कोशिश करूं, या बिल्कुल सिंपल लेवल में, बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पे आपको, और भी मैं इससे आगे कोशिश करूंगा कि बिल्कुल एक एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बताई जाए आपको, ताकि आपको इसके बारे में समझ आ सके कि थीम्स क्या होती हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, और बाकी इसकी वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या होती हैं, और कौन सी सेटिंग रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होस्ट करना और बाकी चीज़ें, ये आपको मैं समझाऊँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वो इसे लाइक करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवालात कर सकते हैं, और या कुछ भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।